बार कोशिश हुई छत डालने की, नहीं डाल पाए। क्यों? राज बाबू कार चलाकर आए हम लोगों को लेकर। अच्छा, कितना अच्छा दिन था ना, कल व्रत थे और आज गौरी शंकर ना, कल सोचे और आज आ गए। मिल गया है झोले में पूरा टीका, ये देखो। की कृपा से मेरे कान हो रहा है। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप लोग? अभी सब सभी ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूँ। वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम लोग गए थे गौरी शंकरन क्योंकि मेरे बुआ लोगों का मन था और हम लोग भी जाना चाहते थे। तो मैं यहाँ का जो भी है सब कुछ दिखाती हूँ आप लोग को और बताती हूँ कैसे क्या है। ओके क्या यार, कई बार कोशिश हुई छत डालने की, नहीं डाल पाए। क्यों, मतलब कोई रीजन? बहुत पुराने पंडित जी थे, उनके सपने में भगवान ने बोले छत नहीं डालना। अच्छा, उनको आसमान चाहिए। अच्छा, मतलब यहाँ छत नहीं पड़ती। तो यहाँ शिव जी ऐसे मैदान में रहना चाहते हैं, यहाँ छत नहीं बन सकता है। यहाँ कई बार छत डालने की कोशिश की गई पर छत नहीं। उन्होंने सपने में आके पंडित जी को बोला कि यहाँ पर छत नहीं डालना, मैं ऐसे आसमान में, खुले आसमान में रहूँगा, तो यहाँ पर छत नहीं पड़ता है। मैं एक बार फिर से आप लोग को पूरा मंदिर दिखाती हूँ। ओके, बहुत प्यारा मंदिर है ये देखो। पहले तो हमारे शिव जी ये रहे, ये रही पूरा मंदिर। ये देखो यहाँ आंटी जी बैठी हैं बाहर से, और यहाँ हैं पूरे नंदी जी महाराज। नंदी जी महाराज डायरेक्ट शिव जी को देख रहे हैं यहाँ से। और यहाँ पे मैं मंदिर में, राज बाबू कार चलाकर आए हम लोगों को लेकर। पहली बार इतने दूर के ट्रेवलिंग में मैं इनके साथ कार में बैठी हूँ ना। और मैं अपने बेटे को, आप लोग सोच रहे होंगे ये लोग खुद सज धज के आए, उसको इनर में, तो वो ऐसे खेल रहा था मतलब। और बच्चों का सब कुछ चलता है, मैं कपड़ा लेकर आई थी पर उसको पहना ही नहीं, क्योंकि ठीक है यार, बच्चों का सब कपड़ा एकदम फ्रेश रहता है भगवान के लिए, एकदम मस्त। तो यहाँ पे बाबू उसको टहला रहे हैं। इधर से आके दर्शन करो बाबू, पहले आप भी करो, बाबू को भी करो। यहाँ से ले आओ, चलो कराओ उसको दर्शन। माथा टेको उसका। देखो धूप है उधर, जले ना वो। चलो ठीक है, तो वो रही हमारी कार। जल वोल वही लोग लेकर गई है ना, जल और टीका करना है। ये मंदिर देखो बाहर से कैसा लगता है, ये देखो। ये है हमारी कार आरुष बेटा, आरुष आरुष आरुष। और ये रही मेरी दोनों बुआ लोग। ये लोग भी दो दिन से सोच रही थी हमें गौरी शंकरन जाना है, हम लोग भी सोच रहे थे, तो आज हम लोग जाए, फाइनली आ गए। आप लोगों को अच्छा लग रहा है ना? अच्छा, कितना अच्छा दिन था ना, कल व्रत थे और आज गौरी शंकरन आ गए, कल सोचे और आज आ गए। और आंटी जी का भी कितना अच्छा कि आज व्रत है, आज आ गई है ना, खुश हो ना? तो मेरी दोनों बुआ खुश है यार, घर की लड़कियां बुआ ये लोग खुश रहते तो हम लोग वैसे भी आगे बढ़ेंगे। हाथ में तू ले है तेरा, आओ बाबू आओ। तो हम लोग आ गए, मेरी आंटी जी व्रत है, मस्त जुटी हैं भक्ति में। अरे बाबा, इधर से इधर से इधर से,
मिल गया है झोले में पूरा टीका। ये देखो यहाँ पे बाबू अपना गोप्रो लेके तो यहाँ पर मेरी तीनों बुआ जुटी थी पूजा करने, अपना तन मन धन तीनों चीज लगाकर। और यहाँ पर बाबू को लेकर खेल रहे थे गोप्रो से। और यहाँ पर मेरी बुआ लोग मस्त जुटी थी पूजा करने के लिए। और बुआ को ये जो भी बेलपत्र वगैरह नहीं मिल रहा था तो उन्होंने शिव जी से लेकर ही शिव जी को चढ़ा दिया, जो कि मैंने भी ये काम किया क्योंकि हमारे पास था नहीं, वहाँ पे कुछ दुकान वगैरह खुला नहीं था तो इसलिए मिला नहीं, तो इसलिए हमने वहीं से लेकर वहीं पर चढ़ा दिया। और ये देखो मेरी छुटकू को, इसका मैंने कपड़ा भी चेंज नहीं किया अभी तक। तो यहाँ पे पूजा करने की विधि, पहले जल चढ़ाया, फिर उसके बाद छोटी बुआ ने जल चढ़ाया, मतलब तीनों लोगों ने सबसे पहले जल दिया, फिर उसके बाद टिकट आगे किए। यहाँ पर देखो मेरे बेटे और मेरे बाबू को, ये देखो कितना क्यूट लग रहा है, इसकी स्माइल मुझे बहुत क्यूट लगती है, जब भी स्माइल करता है ना बहुत क्यूट सा लगता है, प्यारा सा मेरा बच्चा। आप लोग बताना आप लोगों को कैसा लगता है, छोटे बच्चों की स्माइल वैसे अच्छी होती भी है। और यहाँ पर जुटे थे भाई, मतलब पूछो ही मत, अनएक्सेप्टेड था ये जो भी पूजा कर रहे थे ये लोग, बहुत ही प्यारे तरीके से। और यहाँ पे ये देखो उसके बाद यहाँ पर हुआ दिया बाती, क्योंकि और पता है यहाँ पे कपूर ऐसा मिला था ना जैसे पत्थर से भी ज्यादा टाइट, मतलब क्या ही मिला था पूछो ही मत, जल ही नहीं रहा था। बट मेरी बुआ बहुत समझदार है, वो घर से एक दूसरा कपूर लेकर आई थी, उसको डाल के जला रही थी। और यहाँ पर मैं और मेरा बेटा एक टाइम खेलने के बाद बहुत ज़्यादा इरिटेट हो गया, वो ज़्यादा टाइम गोद में रहता ही नहीं है, मतलब उसको ज़मीन चाहिए खेलने के लिए चलने के लिए। तो यहाँ पर वो खेल रहा था और पता है बहुत ज़्यादा साफ़ सफाई थी तो ऐसे ज़मीन पे छोड़ने मतलब प्रॉपर अच्छा क्लीनिंग था। और यहाँ पर बाबू उसको कंधे पर लेकर फिर मैं भी जा रही हूँ जल वल देने, क्योंकि टाइम हो गया था और हमें जल्दी घर भी जाना था तो इसके लिए। और यहाँ पे मैं और बाबू ने भी शिव जी को ऐसे टिकट आके किया, उसके बाद जो भी जल वगैरह देना था उसको दिए। उसके बाद आरुष को भी मैंने बोला कि नीचे उतारो, उसको भी ऐसे पूजा करा देते, क्योंकि आरुष और मैं फर्स्ट टाइम आए थे गौरी शंकरन, मेरे को 5 ईयर हो गए मैरिड बट मैं अभी तक गौरी शंकरन बिल्कुल भी नहीं आई थी। और ये बहुत ही अच्छा मंदिर है, मुझे आने के बाद बहुत ही प्यारा लगा, मतलब ऐसा होता है ना भगवान के स्थान जाओ और बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है, तो सेम वही था, बहुत ज़्यादा सुकून मिला हमें। तो यहाँ पे मैंने फिर जो भी जल रहा था ना उसी से धूप जलाया, क्योंकि हवा बहुत तेज़ थी तो इसके लिए कुछ भी जल वल नहीं रहा था, तो मैंने स्मार्टली काम किया क्योंकि जो दिया जल रहा था उसी से मैं जला ली। फिर उसके बाद हमने दिखाया भगवान को धूप, उसके बाद जो भी मेरी मन्नत थी मैंने वो मांगा और उसके बाद फिर लिया भगवान का आशीर्वाद, फिर निकल गया। और मैं प्रसाद चढ़ाना पता है भूल गई थी, और यहाँ पर यही प्रसाद मिला था, बस ये प्रसाद और कपूर, बस यही दो चीज़। तो उसके बाद मैंने ये कपूर निकाल के रख दिया क्योंकि जल ही नहीं रहता तो क्या ही फ़ायदा है उसको जलाने का। फिर मैंने मेरे बेटे के हाथ से ऐसे प्रसाद चढ़ाया, ये देखो। और उसके बाद फिर हमने छुआ भगवान का पैर, दिखाती हूँ मैं आप लोगों को, मैं मुझे लगता है मैं बहुत ज़्यादा स्पीड में बोल रही हूँ और वीडियो बहुत स्लो चल रही है, देन थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है, कोई बात नहीं। फिर उसके बाद वही कपूर जो मेरी बुआ जी लाई थी उसको मैंने जला के पैर छुआ भगवान का। उसके बाद भगवान का जो लगा रहता ना वहाँ से टीका लगाना बड़ा शुभ होता है, तो फिर पहले मैंने बाबू को टीका लगाया, फिर अपने छोटे बेटे को टीका लगाया, फिर खुद लगाई, फिर उसके बाद लिया भगवान का आशीर्वाद, फिर वहाँ से निकल दिया क्योंकि आज ना हमें जल्दी घर भी जाना है, जैसे कि मैंने बताया घर पर भी फंक्शन चल रहा था तो इसलिए हमें जल्दी जाना था। तो यहाँ पर अब हुआ हमारा पूजा समाप्त। ये जो फूल वहाँ पे चढ़ा रहता है बोलते हैं कि भगवान के पास का फूल लेना शुभ होता है, तो मेरी बुआ ली, फिर मैंने लिया, फिर मेरी और जो बुआ आंटी सब लोग थे सभी लोग एक एक फूल लिए और फिर भांग की पत्ती उठा के खा रहे थे, क्योंकि अभी हमें करना था जो नंदी जी होते हैं उनका पूजा, नंदी जी का भी पूजा करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ये रहे नंदी जी, तीनों बुआ यहाँ पर आ गए, जुट गए नंदी जी के पास और यहाँ पर पूजा कर रहे थे। फिर से मैं आप लोग को ये मंदिर दिखा देती हूँ, अच्छा।
तो यहाँ पे नंदी जी की पूजा खत्म हो गई थी और मुझे ना मंदिर आकर इतना सुकून मिला कि मैं क्या बताऊँ। मुझे बहुत ही अच्छा लगा इस मंदिर आकर, और आई विश मैं और जल्दी जल्दी आऊँ। और यहाँ पे मैं दिखाती हूँ, ये पता है मन्नत की सारी घंटियाँ हैं, ये जितने भी घंट होते हैं। और ये देखो पेड़ कितना प्यारा लग रहा था, और ये बहुत बड़ा मैदान था, बहुत ही अच्छा था। और यहाँ पे तीनों बुआ जुटी थी और लोग लाइन लगाए हैं कि हमें भी जाने दो भाई। अरे तू ना कहीं पापू घुसवा देगा जबरदस्ती, वो बोले जबरदस्ती वाला जबरदस्ती घुस गया वो। हेलो बाबा, आगे आगे भैरव बाबा, गौरी शंकर बाबा आशीर्वाद दे रहा था। शंकर जी जय ओम नमः शिवाय। बाबू बुआ कह रही है आशीर्वाद दे आए हैं का भैरव बाबा। हट ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। और मेरा बेटा कितने प्यार से देख रहा है डॉगी को। आरुष आरुष बेटा अच्छा लगा क्या बेटा को, अच्छा लगा आके, अच्छा लगा मेरी प्यारी बिटिया को। हाँ आरुष 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 अच्छा लगा, अच्छा लगा बेटा को। हाँ ठीक है चल। लास्ट दर्शन, जय शिव शंभु जी। आप हमारे संदेशा पहुंचा देना। यहाँ पे हमारे बजरंग बली, जय बजरंग बली। लोटियाँ लेते आना ना। चलो हरे हरे भोले नमः शिवाय, चलो नमः शिवाय। तो हम लोग का दर्शन बहुत अच्छे से हो गया है, अब हम लोग रिटर्न जा रहे हैं। बहुत ही प्यारा लगा हमें इस मंदिर में आकर। कैमरा कैमरा लड़ गया, कैमरा कैमरा लड़ गया। उससे बजवाओ। हाँ उसका हाथ ऐसे पकड़ के, दो गोप्रो मैं लूँ फिर बजवाओ। दो गोप्रो में पकड़ो, ऊपर करो, पकड़ो पकड़ो, ये क्या जानू। अब जाके हमारा दर्शन हुआ फिनिश, और हम लोग जा रहे हैं अब घर चलना है ना। चलो टाइम से निकलते क्योंकि आज वो शायद वो है ना तेल मंडप, मंडप का है घर पे आज प्रोग्राम, तो हम लोग टाइम से निकलेंगे घर। हमारा पूरा पूजा वगैरह सब कुछ हो गया, फिर से लेते हैं शिव शंभो का आशीर्वाद और निकलते हैं। चल के कितना खुश है देखो। हले 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 आरुष आरुष हले 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 चल आगे आरुष। या
या छोड़ो मत। ये बेटा कहाँ बैठा है भाई? नहीं उधर नहीं, तो यहाँ कार पे बैठा है, इसको मस्त मजे मिल रहे हैं। आज हमारे घर पे, हमारे घर जैसे कि आप लोगों को पता ही है शादी पड़ी है, तो वहाँ पे है तेल वेल मायन वैन पता नहीं क्या क्या होता है जो भी रश में है, तो वो आज है। हमारा टाइम से पूजा हो गया, अब हम निकलेंगे घर। तो चलो चलते हैं, मिलते हैं घर। ओके गोप्रो डाल दो गोप्रो में। रास्ते में फोन से बनाओगे? ऐसे ही डाल दो ना, क्यों खोलने लगते हो? एक मिनट लगेगा, क्या दिक्कत है? लेकिन क्यों खोलने लगते हो? खोलने इसलिए लगते ताकि उसमें अट जाए आराम से। अट जाता है? यहाँ पर सब लोग बैठ चुके हैं, उसको दो, बच्ची को दो हमें। उसको डाल देती हूँ पीछे। हाँ, वो भी डाल दो पीछे। गौरी शंकर बाबा की जय। उधर से बुआ भी देख रही, मेरा आ रहा है कि नहीं। तो चलो भाई, दर्शन फाइनली हो गया, हम निकले घर। बाय बाय भोलेनाथ। जय भोले बाबा। बोलो लाइक करो, लाइक करो, शेयर करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब करो। सब काम हो रहा है, करते हैं मेरे भोले, मेरा नाम हो रहा है। जय नंदी बाबा। प्रभु आपकी कृपा से मेरा काम हो रहा है, करते भैया मेरा नाम हो रहा है। मेरा नाम की कृपा से मेरा नाम हो रहा है। बस बस बस, अब ड्राइवर को चलाने दीजिए। कोई दिक्कत नहीं है, हमें कौन दिक्कत है? जब छोटा मुन्ना को दिक्कत नहीं ना, वो मगन है गाना गा, गाना सुनता माँ बिल्कुल एकदम साधारण है। जय मेरा छेड़ी भरे बाजुनिया, मैं बोले जिसे मांगी आई बना चुनिया, मैं बोले जिसे मांगी आई मारे सो। Be mine.